असल नाजरीन मैं गनी जावेद अगले हफ़्ते के तमाम अरूज के जो अगले हफ़्ते के वाकयात रहनुमा होंगे वो आप तक पहुँचाने के लिए हाजिर हुआ हूँ तो सबसे पहले हम हमले अफराद की तरफ रजू फरमा रहे हैं आप और मैं सब और इससे आप आने अफराद के बारे में आपको पता चलेगा तो हमले अफराद आपको नया रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और क़ुदरत आपको आगे बढ़ने के लिए उकसा रही है यानी ऐसे हालात वाक्यात हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में ये आप ख़ुद ब खुद महसूस करने लगेंगे कि मेरा मूड बन रहा है आगे बढ़ने को तो कुदरत आपके लिए काम कर रही है आपके लिए ये सही वक्त है और इस तरह आपको शहरत मिलने वाली है आपसे कोई आपकी ज़िंदगी के बारे में आप मकासद मालूम करने की कोई ख़्वाहिश रखता है तो उससे बात कीजिए अठारह अप्रैल को जोरा मुशरी की नज़र से आपने जो पहले कोई काम किए हुआ है उसको दोबारा करना पड़ेगा तो इस बत बो, को बर्दाश्त करें और उस काम से दोबारा निपटें और आपके करीबी रिश्तेदारों से तलक्रात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं और ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है इस सूर्य ग्रहण की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ, या काम के लिहाज से आपका जो काम उसके लिहाज से कोई रुकावट दूर हो रही है और उसके बाद 20 अप्रैल के बाद सूरज आपके माली खाने में दाखिल हो जाएगा माली मामलों को बड़ी अमियत हासिल हो जाएगी और इस तरह आपको माली मामल के बारे में अच्छी तरह सोच समझ के चलना होगा और ये जो अतारद है इसकी रुझत आ रही है तो इससे आपके मामला में सुस्त रवि आ जाएगी आप महसूस करेंगे के ज़िंदगी के मामला पहले से पहले के पर ज़्यादा सुस्त हो गए हैं वक्ती तौर पर रुकावट रहेगी अब मैं आता हूँ अगले बोरे की तरफ शौर्य हजरात की तरफ शौदरी हजरात आपकी आ, पहले तो कोई सुस्ती नज़र आती है हफ़्ते के पहले लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरह गुजार रहे हैं उस गुजारने की कोशिश करें और शोर शराबे से दूर भागें और अपने काम से लगन रखें अठारह अप्रैल को जोराम की नज़र से आपकी कोई अठारह अप्रैल कोई आ, अठार को आप कीमती चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो कीमती खरीद के लिए आप में बड़ी ख़्वाहिश पैदा हो चुकी है तो ख़रीदने से पहले सोच लीजिए अपने माली मामला के बारे में और फिर आप फैसला कर लें आपको एक पुराना दौर आपका ख़त्म हो रहा है एक नया नई जिंदगी की तरफ आप बढ़ना शुरू हो गए हैं और इस ज़िंदगी में आपका जो काफ़ी तब्दीली आ जाएगी आप में आगे बढ़ने की बड़ी हिम्मत पैदा होगी पेशरवाना तौर तो पर आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद बीस अप्रैल के बाद तो सूरज आपके अपने खाने में दाखिल हो रहा है इससे मज़ीद आप में तो पैदा होगी खुदारी पैदा होगी और यूँ समझिए आप में अपना ख़ुद इतमादी का इजाफा हो जाएगा बीस के बाद तो ये जो शुरू ग्रहण है ये जो आपके ज़िंदगी में आप महसूस करेंगे कि आप एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं उसके बाद मैं आता हूँ जोजी हजरात की तरफ जोजी हजरात हाँ मैं भूल गया आ, अपना शोरी हजरात को ये बताना कि अतारत की रोजो तो आने वाली है इस महीने के आखिर में उससे आपके मामला में सस्तरवी आ जाएगी लेकिन ये वक्त ही असर है अब मैं आता हूँ जोजी हजरात की तरफ जोजी हजरात सूरज और नबचून की जो नज़र लगी हुई है उस वजह से आप दो आप के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं तलकत बढ़ा रहे हैं और उन्हें आप बरकरार रखें किसी दोस्त को कोई दोस्त आपका उसे आपके रवैये से बड़ी ख़ुशी मिलेगी गुफ्तगु में भी आप जल्दबाजी से काम ना लें आम गुफ्तगु में जल्दबाजी से काम ना लें और अपने अफसाफ को सोच समझ कर अदा करें आपके मैसेज को गलत समझा जा सकता है और वो आपके लिए परेशानी का बहस बन सकती है चीज़ आपका कोई ख्वाब है वो जो ख्वाब है उसके पूरे होने का वक्त आ गया है। आप मैं कोई ऐसा वलवला कोई ख्वाहिश ऐसा कोई जज्बा पैदा हो गया कि आप उस ख़्वाब को पूरा करने में कामयाब होते नज़र आते हैं और अतारत की जो अपना रुजत आ रही है उससे काम को वक्ती तौर पर सुस्ती आएगी या कोई आपने पहले काम अगर किए हुए है, उसको दोबारा करना पड़ेगा अब मैं आता हूँ सरतानी हजरात की तरफ सरतानी हजरात आपकी तारीर तकरीर का दूसरों लोगों पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है सहरंगेज आपकी तारीर तकरीर तो लोग उसका असर कबूल कर रहे हैं इससे आपके शहरों में इजाफा हो रहा है और आप समाजी तौर पर दिन दिन मकबूल होते जा रहे हैं अठारह अप्रैल को जोरा मश्री की नज़र से आपका रूहानी तलक बढ़ रहा है तो आप इस तलक को अल्लाह की तरफ से गनीमत समझिए और अपने इस रूहानी तल वल को जज्बे को ख्वाहिश को आपके अंदर जो पैदा हो रही है इसको बढ़ाएँ और इस कायनात के साथ रूहानी तलक तल्व पैदा कर लें कायनात से तलक पैदा करने से मुराद आप अल्लाह ताला के और करीब हो जाएंगे उसके बाद हो सकता है आप कैरियर के हवाले से कोई तब्दीली ले आए ये भी सोच लें सोच समझ कर आगे बढ़ें लेकिन ये जो आप तब्दीली लाएंगे कैरियर के लिहाज से दुनिया हैरान हो जाएगी कि ये आपने क्या कर डाला है बहरहाल दुनिया हैरान हो या खुश हो परेशान हो आप अपने इस फैसले के बारे में सोचिए कि मैं जो तब्दीली ला रहा हूँ क्या ये सही है अच्छी तरह सोच समझ कर अगर तब्दीली लाते हैं ओके आप अगर सोशल लाइफ में मजीद बढ़ना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया से अपना तलक बना लें सोशल मीडिया से आपका तलक बनता नजर आता है और इसे आपको अपने मकसद में कामयाबी होती नजर आती है आइए अस्सी हजरात की तरफ आते हैं जो अगस्त में पैदा होते हैं आप सूर्य नपचून के जो नजर लग रही है अब तक के शुरू में आप सफर से लुफ्फोज होते नजर आते हैं और आप इस सफ़र की तैयारी में सफ़र के शुरू करने में सफ़र के बारे में जो सोच रहे हैं इसमें जल्दबाजी से काम ना लें जिस तरह प्रोग्राम बनता जा रहा है आप उसी के साथ चलें उसमें जल्दबाजी ना करें अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इससे आपको सफ़र में मायूसी होगी तो जैसा चल रहे मामला सफ़र के चलने दें जो जो हालात पैदा हो रहे हैं आप भी फिर सफर करना शुरू कर दें इसके बाद जो बड़ी मदद आपकी जो बड़ी मदद मिलने वाली है वो सूर्य ग्रहण से होगी तो सूर्य ग्रहण अप्रैल को है और आपको अपने कैरियर के लिहाज से बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है गुड उसके अलावा अतारत जो है वो मैंने के आखिर में रजा आ जाएगी वक्ती तौर पर मामला महसुस्त रवि आएगी वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और दूसरा ये है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सलाहीतों को मनवाने के लिए कोशिश करें अपनी ज़ेनी तख्लीकीहितों को सही महन में, में बुरकाल लाएं इन सलातों को और अपने इन सलों को मनवाएं मैं ये प्लानट के रूप से बात कर रहा हूँ कि प्लानट इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि इस ना करने से आपकी शख्सियत की मज़ी शनाख्त बढ़ जाएगी आप शुमला तरफ आते हैं इस हफ्ता आपकी ज़िंदगी में मामूली मामूली तब्दीलियाँ आ रही हैं लेकिन मामूली मामूली तब्दीली आने के बाद आप महसूस करेंगे कि इससे बहुत ही अच्छे नतज मुयसर आना शुरू हो गए हैं सोलह अप्रैल को सूरज नवचून की नजर से थोड़ी सी आपको रुकावट आ रही है सूर्य नवचून के नजर से कि आपने जो महसूस किया था कि वसाइल तक मैं पहुंच सकता हूं आपने ये महसूस किया हुआ था कि इन वसाइल तक मेरी पहुँच है वो आप महसूस करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ या जिस आदमी से आपने उम्मीदें लगा रखी थी कि वो मेरी मदद करेगा ऐसा भी नहीं हो रहा वक्ती तौर पर तो फिलहाल इस बात को आप कबूल करें और कोई ज़रिया सोचें जिससे आपको आ, आगे बढ़ने में मदद मिले आपकी जिंदगी में बड़ी मुमकिनत पैदा हो चुकी हैं मेरा मतलब यह है कि आपको बड़े बड़े मौाक़ मिलने वाले हैं और यह भी नजर आता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं लेकिन ही तौर पर काम आपका जो मौजूदा काम है या आपकी जो जिंदगी वो रुकावट बनी हुई है बहरहाल आप अपने उस मनसूबे को जहन में रखें और अपने सही वक्त पर आप आगे आप बढ़ेंगे की जो आ रही है इस आखर में महीने के आखिर में की रुजत आ रही है तो शुमला कोई नजर आ रहा है अगर आप बड़े सफ़र पर हैं अगर आप बैरूनी मुल्क का सफर अख्तियार किए हैं या यूं आप सफर में हैं तो अपने पासपोर्ट का ख्याल रखें और जो कीमती दस्तावेजात होती हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर नजर रखें सफर के दौरान तो सफर आपका आ रहा है सफर करते वक्त अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स पर कड़ी नजर रखें तो नाजरीन अब आते हैं मेजान की तरफ <coughs> मेजान अफराद शुरचून की जो नजर बनी हुई है इससे आपकी जो जादू भरी शख्सियत है इसका लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है और पढ़ रहा है इसके अलावा आपकी रोमानवी जिंदगी में भी बहुत ही अच्छी सूरत हाल बनी पड़ी है रोमानवी मामला से इंजॉय करने के लिए लुत्फ़ होने के लिए आप तैयारी करें क्योंकि बहुत ही अच्छे हालात रोमानवी हालात पैदा हो चुके हैं इसके साथ जोरा मुश्री को जो नजर है आप मुझे सफर करते नजर आते हैं उन्नीस अप्रैल सूर्य ग्रहण की वजह से आपको नया काम शुरू कर रहे हैं तो ये जो ग्रहण लगेगा आप कोई नया काम शुरू करेंगे लेकिन उसके लिए कोई पहले कोई किसी काम को छोड़ना पड़ेगा तो फिर आप इस नए काम को नए काम छ सकेंगे और 20 अप्रैल के बाद माली सूरत बड़ी अमीर अख्तियार कर जाएगी और आपको अपने माली मामल के बारे में सोचना पड़ेगा आपकी पुरानी जिंदगी को ऐसे हालात बन रहे हैं मिजान अफराज आप पुरानी जिंदगी का भूल जाए खैरबाद कह दें और नई जिंदगी के शुरू करने के लिए जो वक्त आ गया है उसके लिए तैयार हो जाए अकबर हजराज की तरफ आता हूँ जो नवंबर में पैदा होते हैं सूरज और नवचून की नजर से आपकी अब पुरानी यादें छोड़ें और ऐसे आते अपनाएं जो आपके लिए साबित हो मैं मिसाल दूंगा आप योगा अपनाएं वर्ज शुरू कर दें बाकायदगी से आदत बना लें उसके बाद 16 अप्रैल को जो 16 अप्रैल को जो नज़र लगी हुई है प्लान्स की और जो प्लान्स हैं आपके अपना जोरा और मशतरी तो इनकी नजर से आपके रोमानवी जिंदगी में आपको कोई नया मौका मिलने वाला है वैसे भी ऐसे नजर आता है कोई नई समत अख्तियार करने वाले हैं यू आर गोइंग इन ए न्यू डायरेक्शन और इस मौके से आप फायदा उठाएं सूर्य ग्रहण की वजह से भी यही नजर आ रहा है कि आपको कोई नई सिमत अख्तियार करनी पड़ेगी सूर्य ग्रहण की वजह से आपकी जो नई समझ अख्तियार करेंगे उससे आपको बाद में बड़ा फायदा होगा कोई ग्रहण की वजह से ऐसे हालात भी पैदा हो रहे हैं किसी काम के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा लेकिन आप आगे बढ़ने से पेश करेंगे ऐसा ना करें यह जो कुदरत आपको मौका फराहम कर उसको अपनाएं और इस काम से निपटे तो यह था आपका अकरबी हजरात के हालात अब मैं आ रहा हूं अपना कोशी हजरात की तरफ कौशी हजरात शुरू नफजुन की जो नजर लगी हुई है इसे कोई आप खसूसी काम करने का खुशू से काम करते नजर आते हैं या शुरू करते नज़र आते हैं अठारह अप्रैल जोर जोराम की नज़र से आपका कोई जो तलक है या कारोबार है या जॉब का कोई मसला है उसमें कोई मज़ीद अच्छी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी या कोई मज़ीद अच्छी बात होनी पड़े बात होती नज़र आती है आपकी शख्सियत की कशिश में इजाफा होगा क्योंकि आपके सातवें खाने में जोर आए हुए हैं और आपके तलकात और रबते जो हैं वो खुशगवार रहेंगे सूर्य ग्रहण से पता चलता है कि आप नई जिंदगी की दलेज पर खड़े हैं दलीज सॉरी खड़े हैं और आप इस तरह एक नए दौर का आपके ज़िंदगी में आगाज होने वाला है और अपनी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में डिसप्लिन नजम लाइए अब मैं आता हूँ अगले बुर की तरफ जिन्हें हम कहते हैं जदी तो जदी हजरात ये जो सूर्य नबचून की नज़र लगी हुई है इसे आपको अपनी ख़ानदानी जिंदगी में बड़ी दिलचस्पी पैदा होती नजर आती है अठारह अप्रैल जोराम के नज़र से आपकी मसरूफियत का पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा मसरूफियत किसी काम की वजह से मसरूफियत नजर आती है और या आपको ऐसा नया मश अख्तियार करने वाले हैं जो किसी पहले आप अख्तियार किए हुए थे वो दोबारा अख्तियार कर सकते हैं और घरेलू ज़िंदगी और जायदाद के मतलब मामलत में जो बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं या मुसफत तब्दीलियाँ आ रही हैं अतारत रुझ से आपकी तरक्की में वक्ती तौर पर रुकावट आएगी तो ये जो अतारत की रुझ होती है जैसा वक्ती असर होता है ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अब मैं आता हूँ जदई हजरात के बाद दल हजरात की तरफ तो दलवी हजरात इस हफ्ता आपको सही मायने में तवज्जो मिलेगी पीपल विल गिव यूर अटेंशन सूर्य नवचून की नजर की वजह से आपने जो पैगाम भेजने हैं मैसेज करते हैं वहाँ एहतियात काम लें आपके मैसेज को गलत समझा जा सकता है चुनाच प्लानर ये कह रही हैं कि मैसेज करते बाद उनको एक दो दफ़ा देख लें ताकि आपका गलत मैसेज ना आए जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं उसके बाद रोमानवी तल्ल जो है वो पैदा हो सकता है या मामले तलुक कोई पुराना है वो बढ़ सकता है इस सब तो ये भी नजर आता है कि आपको किसी से तोहफा मिलेगा सूर्य ग्रहण का आप पर यह असर हो रहा है कि कोई ऐसे हालात बनेंगे कि आगे बढ़ने का मौका बनेगा लेकिन आप आगे बढ़ने से पश से काम ले रहे हैं हिचकिचा रहे हैं ऐसा ना करें ये जो मौका है ये कुदरत की तरह से आपको मिला है तो कुदरत की तरह से मौका मिलने वाले से निपटना चाहिए पकड़ना चाहिए फायदा उठाना चाहिए और ये मौका आपके पास आ चुका है इस हफ्ते में आप एहसास हो जाएगा उसके बाद अतारत की जो हर बुरज के साथ जिक्र करता चला आ रहा हूं अतारत की रोजगार आ रही है आने वाले तीन चार हफ्तों में तीन हफ्तों में तो उससे ये होगा कि हालात में सुस्त रवि सी आ जाएगी और ये अमूमन अट्ठारह दिन के लिए आपको वक्त के साथ साथ चलना पड़ेगा दलीय वजरात के बाद अब मैं आता हूँ हती अफराद की तरफ तो हती अफ़रात आपके लिए अर्स है कि जो जो सोलह अप्रैल आ रहा है वो ती अफरा सोलह अप्रैल जो आपका सूरज और नपचून का जो मिलन है या जो नज़र है इसे माली मामलत की वजह से आप बहुत आराम सुकून महसूस करेंगे और अब आप महसूस करेंगे कि माली मामला के समय मैं किसी हद तक थोड़ी बहुत अयाशी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो माली मामला में फजूल अखरजा से तो बचना चाहिए लेकिन इस तरह हो चुके हैं कि आप उनसे फायदा उठा सकते हैं और अपने माली मामला से सुकून हासिल कर सकते हैं एक और खास बात यह नजर आ रही है अफराज कि आपके घर में कोई पार्टी का इनका हो रहा है पार्टी का इनका को मरा यह इधर उधर के आपके अपने पर जो पड़ोसी सब रिश्तेदार आपके घर आएंगे और आपके घरेलू जिंदगी बड़ी चहल पहल नजर आ रही है किसी चीज़ का किसी चीज़ के बारे से पार्टी नजर आती है तो आप उससे लुत्फानंदोज हो और कोई अगर काम अच्छा सामने आ रहा है उसे हिचकाना ख़त्म करें आगे बढ़ें और उस काम से भरपूर फायदा उठाएं और बाकी मैं यही कहूँगा कि सूर्य के दाखिल होने से शौर में बीस के बाद जो आपके तीसरा खाना है तो करीबी रिश्तेदारों से आपके तलक मजीद अच्छे हो जाएंगे छोटे सफ़र आ सकते हैं और इस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरती ही नज़र आती है तो यूँ हैं हजरात तमाम बजरुज के हालात बुरूज के मौजूदा आने वाले हफ्ते के हवाले से हालात इस सिलसिले में अतारत की रुज वाली है वो सब बुरुज पर असरअंदाज होगी और सुस रवि का या रुकावट का एहसास होगा बाकी ग्रहण लगने वाला है मैंने हर बुरुज के साथ ग्रहण के असरात का जिक्र कर दिया है क्योंकि लोग ग्रहण में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और इस ग्रहण के हवाले से बड़ा कुछ कहा जा रहा है कि ये ग्रहण बड़ा सख्त होगा बहरहाल इस नाचीज के हवाले से मेरी समझ के हवाले से सूर्य ग्रहण के जो भी हालात असरात 20 तारीख को मरत उन्नीस बीस को मरत होने वाले हैं वो मैंने हर बुरे साथ बयान कर दिया अल्लाह हाफिज आइंदा फिर हाजिर हूँ